वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गुरु। अब हम हो रहे हैं शुरू, बात करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। ओके, तो इसमें दो ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से पार्ट जो हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के हैं और कौन से पार्ट नहीं हैं, याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ओके, जैसे इसमें आपको ट्रिक का रहेगी गर्ल प्लस वैक्यूल। गर्ल स्टैंड फॉर जी फॉर गोल्जी बॉडी, ER तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही, एल फॉर लाइसोसोम एंड देन वैक्यूल। तो ये सभी के सभी किसके पार्ट हैं, दे आर द पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, इस सिस्टम के पार्ट हैं। अब ऐसा क्या है कि एंडो सिस्टम है क्या? एंडो मतलब सेल के अंदर, मेम्ब्रेन के बने हुए पार्ट हैं, तो बहुत सारे पार्ट हैं। उनमें से कुछ पार्ट जो हैं, मैनी ऑफ द पार्ट दे आर क्या करते हैं, उनके बीच में बहुत ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है और सिस्टम का निर्माण करते हैं, सिस्टम फॉर्म करते हैं, इसको कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो क्या लिख रहे हैं इसमें, आगे देखिए, दीज आर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स, तमाम सारे हैं जिनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के अलग अलग हैं। ओके, मैनी ऑफ देम, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका जो आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शनिंग कर रहे हैं। ओके, वो बनाते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, अब कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, कैसे काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप आगे भी काम आएगा, ढंग से समझें। RER का काम क्या है, यहाँ पर राइबोसोम लगे हुए हैं, तो ये क्या करे काम करेगी, प्रोटीन बनाएगी, भाई प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन कहो या एंजाइम बनो। ठीक है, अब ये प्रोटीन बनाने के बाद कहाँ भेजेगी, SER को। SER में क्या होगा कि SER से बाहर निकलेंगे क्या, ट्रांजिशनल वेसिकल्स। ओके, छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, इनके अंदर ये प्रोटीन भरी हुई है। ओके, अब वो कहाँ जुड़ जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं गोल्जी बॉडी के सिस फेज से। ये दोनों गोल्जी बॉडी के फेज हैं, एक का नाम है सिस फेज, दूसरे का नाम है ट्रांस फेज। तो प्रोटीन यहाँ से कहाँ गई, SER, SER से कैसे बेसिकल के रूप में बाहर आई, बाहर से कहाँ जुड़ेगी, सिस फेज ऑफ गोल्जी बॉडी। फिर ये यहाँ से घूमते घामते कहाँ जाएगी, वो ट्रांस फेज में, और ट्रांस फेज में ये बाहर निकल रहे हैं किसके रूप में, वैक्यूल से। थोड़े से ये वेसिकल्स हैं, ये बड़े हो गए तो वैक्यूल में इसके अंदर प्रोटीन है, और यही वैक्यूल जो है और बड़े हो जाएंगे तो बना लेंगे लाइसोसोम। तो ये आपका हो गया GERL प्लस वैक्यूल। ओके, गोल्जी बॉडी ER, दोनों ER आ गए, लाइसोम का निर्माण कर रहे हैं किसकी सहायता से, वैक्यूल, और ये आगे वैक्यूल। ओके, तो ये सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, इसलिए ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। अब कौन से नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड पेरोक्सिसोम, ये इनसे कोऑर्डिनेट नहीं करते, नॉट कोऑर्डिनेटेड विद दिस अबव कंपोनेंट्स। ओके, सो नॉट कंसीडर द पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आपको तो यही रखना है कौन से हैं, वो है गर्ड प्लस वैक्यूल। आगे लाइसोम भी पढ़ेंगे, लाइसोम में भी आएगा कि लाइसोम जो है कहाँ से बनते हैं, कहाँ से निकलते हैं, वो ट्रांस गोल्जी बॉडी के ट्रांस फेज से इस तरीके से निकलते हैं। ओके,